देवरिया जिले के तरकुरा थाना अंतर्गत ग्राम मदारी पट्टी गांव में प्रशासन की टीम ने जुडिशियल जज के परिवार के लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं पुलिस का तांडव यही नहीं रुका, तरकुरा थाना प्रभारी ने जज के भाई को लाख जूतों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये हमारा देवरिया का तरकुलवा थाना है, इसी का बल्कि पास में ही एक पड़ोस में मजरा है, इसी गांव का थाने का जो गांव है मदारी पट्टी। तो इसमें एक तालाब पे अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत बार बार एक आ रही थी, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय ने SDM सदर को ये प्रार्थना पत्र इंडोर्स करके दिया था कि ये प्रकरण गंभीर है, आप स्वयं अपने पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ जा करके मौके का निरीक्षण करेंगे, यदि तालाब पे कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार उसकी कार्यवाही करके रुकवाना भी है, अगर कोई अतिक्रमण हो गया है तो उसे विधिक कार्यवाही करके बाद में हटाया भी जाएगा। उसी क्रम में थाने के जो हमारे प्रभारी थाना अध्यक्ष है SO उनके साथ और कुछ महिला आरक्षी थी पुलिसकर्मी उनके साथ इनके द्वारा मौके का निरीक्षण किया जा रहा था वहाँ पर। तो जैसे ही वो स्थल पर वहाँ पहुँचे SDM साहब, तो ये शैलेश सिंह और इनके एक दो भाई थे, इनके पिताजी का नाम हरेंद्र सिंह है, इन लोगों ने SDM साहब से जो है तुम तड़ाम करके पहले तो बात करी कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो। इनके साथ SO भी थे, देखने वाला आदमी जिसके ऊपर FIR भी अभी दर्ज हो रही है, हो गई, वो स्वयं जो है एक परीक्षा में उत्तीर्ण करके और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में उनका सिलेक्शन हो रहा है और इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, और SDM के ऊपर उनके घर की महिलाओं ने ईंट पत्थर से भी हमला किया जिसे उनके पैर में चोट आई है और शायद फ्रैक्चर की संभावना डॉक्टर बता रहे हैं। तो इस तरह का मतलब गलत व्यवहार और जो कानून हाथ में लेने की कार्यवाही उनके द्वारा की गई ये गलत है और उसके खिलाफ़ जो है तहरीर दी है हमारी टीम ने, जो भी साथ में कर्मचारी थे, FIR दर्ज कराई जा रही है, इसमें विधिक तौर पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, हमारे जो टीम में 3-4 जो महिला आरक्षी थी उनके साथ भी उनके घर की महिलाओं ने बकायदा अभद्रता की मारपीट शुरू कर दी, किसी तरह से टीम थी तो वहाँ से झगड़े से बचा के लाया गया, तो उनके साथ भी उन लोगों ने मारपीट की। ईंट पत्थर चलाना जब शुरू कर देगा कोई तो एक समस्या खड़ी हो जाती है, तो पूरी टीम हमारी वहाँ से सुरक्षित आ भी गई है और FIR दर्ज करके 4 लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, 4 लड़के जो घर के थे मारपीट कर रहे थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। हाँ सिंह साहब, जो कल मारपीट हुई थी जिसका वीडियो वायरल हुआ है, क्या पूरी घटना बताइए, क्या मामला हुआ, क्यों हुआ था मारपीट? अचानक जो है SDM देवरिया दिनेश और थाना अध्यक्ष तरकुलवा नरेंद्र प्रताप राव, मैं पुलिस फोर्स के पहुंच गए और मेरे लड़के जो बिहार में न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं समस्तीपुर में, उनको अपमानित करने व मारने एवं गलत रिपोर्ट मिथ्या केस में फंसाने की गरज से, वेरिफिकेशन रद्द करने की गरज से इन्होंने जो है ऐसा कार्य किया है और यह दर्शित करने के लिए कि जमीन को जो है यह कब्जा भी करवा सकते हैं, मेरे जमीन को कब्जा करवाने के लिए भी उद्देश्य उनका रहा है इन लोगों का, तो इस उद्देश्य की पूर्ति में वो लोग आए हुए थे। अच्छा, इस उद्देश्य की पूर्ति में वो लोग आए हुए थे, सीधा देखिए 4 थाने भी जुटे हुए थे, इसमें 4 थाने में तरकुलवा है, बगोज घाट है, रामपुर कारखाना है और गौरी बाजार भी थाना है, इसके पुलिस कर्मी आए हुए थे, महिलाएं पुलिस भी थी और इन लोगों ने लड़के को तो मारा ही पीटा, मेरे घर की औरतों को भी और छोटे बच्चों को जो 12-13 साल की लड़कियां हैं उसको भी लात और पैरों से और डंडों से मारा है। इसका कारण यह है कि ये जो है मेरे घर के पास डी बस्कित की जमीन है, इसके संबंध में 2006 से मुकदमा चल रहा है और मुकदमे के दौरान जो है इस रावती ने कुछ प्रतिवादी से यह लेना बैनामा लेना जाहिर करती है और इसके लिए वह कब्जा प्राप्त करना चाहती है। इसका भाई जो है, इस रावती का भाई ये राम मनोहर है जो गढ़रामपुर का निवासी है, वह RSS का, वह पहले विभाग प्रचारक रहा है, अब जो है विद्या भारती में हो गया है
और इन्होंने सूर्य प्रताप शाही को अपने प्रभाव में लेकर के और सूर्य प्रताप शाही के माध्यम से डीएम और एसपी को दबा देकर और ये एसडीएम देवरिया को और थाना अध्यक्ष तरकुलवा को इसने दबाव बना करके और जमीन पर कब्जा दिलवाने तथा मिथ्या केस में फंसाने की गरज से यह कार्य किए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि आपके तरफ से महिला भी इंटरव्यू लेकर दौड़ा आ रही है। मेरे तरफ से कोई महिलाएं नहीं है, पुलिस महिलाएं हैं, उन्हीं के तरफ से ईंट वगैरह चला होगा। वैसे ईंट तो जो है ये थानाध्यक्ष और साथ ही साथ एसडीएम देवरिया भी ईंट को उठा कर चलाए भी हैं। जिसको मार रहे पुलिस वो कौन है आपके? जिसको पुलिस मार रहे वो कौन है? वो छोटा लड़का भी है, लड़कियां मेरी हैं और नतनी है। लड़कियों की लड़की? अब लड़के न्यायिक मजिस्ट्रेट कहाँ पोस्ट है और उनके साथ क्या हुआ? समस्तीपुर में है और उनके साथ जो है वह पहले आते ही मोबाइल पर हैमर किए उनके और उनके मोबाइल और उसमें कुछ पॉकेट में पैसा रखे थे उसको ये एसडीएम सदर ने ले लिया, लूट लिया उसको। हम ये कहेंगे कि लूट लिया सीधे और उसके बाद कालर पकड़ लिया, अपमानित किया, पद को अपमानित किया। क्या नाम है उनका? शैलेश कुमार सिंह नाम है। सूचना नहीं दिए थे जो यहाँ पे नपाई के लिए? नहीं, कोई सूचना नहीं थी। इसमें वह जो है इनको लेकर आए थे, क्या कहते हैं, कानगो को भी लेकर आए थे। ठीक है। और फर्जी मुकदमा उन्होंने कायम कराया है। ठीक है।